डिएमिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया थ्रू द ऑर्निथिन साइकिल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक द इन ब्लड लाइक द फाइब्रिनोजन एंड लाइक द हेपरिन। तो ये हमारे ये ग्लाइकोलिसिस करता है। एक एक टर्म देखते चलते हैं। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोहाइड्रेट। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट लाइक द प्रोटीन एंड फैट, ग्लाइकोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। दोबारा देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग आपकी ऑफ हो गई थी। तो देखेंगे सिंथेसिस ऑफ साइकिल। तो पहली बात तो लीवर जो होता है नियर अबाउट 700 to 1000 ml, उसकी पी 7.6 बाइल पिगमेंट, बाइल बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो होता है एंड बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। बाइकार्बोनेट जैसे ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि उनको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्लाइकोजन फ्रॉम द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लूकोजेनेसिस दैट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस एंड फैट। नेक्स्ट है इसके अलावा डी होता है, लीवर का फंक्शन है एंड फॉर्म थ्रू द ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन करता है। सब प्लाज्मा प्रोटीन, कई सारे प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कुछ होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और साथ ही साथ एंटीकोगुलेंट बनाता है दैट इज हेपरिन। तो इन सभी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर करता है। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीमोपोइसिसिफिकेशन, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है ब्रेक डाउन करता है एंड हीमोपोइसिस दैट इज ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन कहलाता है। एंड आरबीसी दैट एरिथ्रोक्लेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड होता है उसको कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द एनारोबिक कॉन्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन इन द लीवर बाय द कोरी साइकिल। कोरी साइकिल की मदद से जो हमारा लीवर होता है ये क्या काम करता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है उसको ये फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है फॉर द फर्दर यूज। लीवर एक्ट एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ये साथ ही साथ थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का काम करता है,
लेकिन अगर मेन थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के बारे में पूछा जाएगा तो वो हाइपोथैलमस होता है। कुप्फर सेल्स आर स्टीलेट, रेटिकुलर इंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर आर हिपैटिक मैक्रोफेज। तो जो इंडोथेलियम सेल्स होती हैं उसमें कुछ सेल्स मॉडिफाई, नेक्स्ट देखेंगे पैंक्रियाज, थर्ड ग्लैंड है हमारा पैंक्रियाज। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट जो है लिवर है, 1200 से 1500 ग्राम का होता है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैंक्रियाज, जिसका वेट जो होता है 50 to 60 ग्राम होता है। पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड एज इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन सेल्स। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है। आइए पैंक्रियाज का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं।
कि ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। पैंक्रियाज जो होता है कई सारे पैंक्रियाटिक लोब से मिलकर के बना होता है। हर एक लोब के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देख रहा होगा, जिनको हम पैंक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। पैंक्रियाटिक एसिनाई जो होती हैं ये एक्जोक्राइन नियर अबाउट 98% पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, और जो होती है इन्हीं के बीच जाती है स्टेटर्ड फॉर्म, जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। ये 2% पार्ट होती हैं और ये एंडोक्राइन नेचर की होती हैं। पैंक्रियाटिक एसिनाई जो है डाइजेस्टिव जूस फॉर्म करता है, और ये सारे डाइजेस्टिव जूस जो है एक कॉमन डक्ट यानी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विर्सन बोलते हैं इसको। इसमें जाती हैं और इसी के साथ एक एसोसिएटेड एसेफ्री पार्ट ऑफ द डक्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। ये एसेफ्री डक्ट होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो ये एक आउटलाइन है आपके पैंक्रियाज का। तो देखेंगे एसिनर सेल्स सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती हैं एसिनाई की सेल्स। पैंक्रियाटिक डक्टलेस अराइजेस फ्रॉम द एसिनाई कंबाइंस टू फॉर्म द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विर्सन बोलते हैं। तो सारी पैंक्रियाटिक एसिनाई की डक्ट एक साथ मिल करके मेन पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विर्सन का फॉर्मेशन करती हैं। द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन द बाइल डक्ट टू फॉर्म द कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट विच लीड इन टू द एम्पुला ऑफ वेटर, दैट इज हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। तो ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है ये आता है। तो देखिएगा एक छोटे से आउटलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऊपर से एक डक्ट आती है हिपैटो पैंक सॉरी ये कॉमन बाइल डक्ट आती है, फिर इधर पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाज से एक डक्ट निकलती है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे चल करके एक सॉलिड बेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला वेटर, या हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला कहलाता है या एम्पुला वेटर कहलाता है। इस एम्पुला वेटर की जो ओपनिंग होती है यहाँ पर पाया जाता है इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी पाया जाता है। मेन बाइल डक्ट या एसी को बोलते हैं डक्टस,
कोलेडिकस, ये जुड़ जाता है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और इसके साथ जुड़ने के बाद जो है एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटा दैट मीन्स लीवर, पैंक्रिया दैट मीन्स पैंक्रिया, तो हिपेटा यानी लीवर और पैंक्रियाज का दोनों जूस एक साथ हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ डियोडिनम में जाता है। डियोडिनम से पहले इसमें एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्पुला वेटर बोलते हैं, इसकी ओपनिंग जो होती है वहां पर एक इन्फ्रेंटर पाया जाता है, दैट इज इन्फ्रेंटर ऑफ ऑडी। एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम्स, तो जो पैंक्रियाटिक एसिनाई होती हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट होती हैं और वो पैंक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती हैं। इंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन एंड अदर हार्मोन्स एंड पीएच वैल्यू ऑफ पैंक्रिया 8.4, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें से सॉरी पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ में इसका एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो होते हैं ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ग्लूकोज दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, और फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर कर लेता है। फिर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।